मतदाताओं ने प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कैद कर दी है। तो वहीं आपको बता दें कि आज लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए विजयपुर स्थित मतदान केंद्र 53 पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल किया है। और आपको बता दें कि मतदान करने के बाद जेपी नड्डा ने प्रदेश की जनता से इस चुनावी महाकुंभ में अपनी आहुति डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंचकर मत करने की अपील की है। तो वहीं इस दौरान जेपी नड्डा के साथ धर्मपत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा व पुत्र हरीश नड्डा, गिरीश नड्डा और पुत्र वधु भी मौजूद रहे। देखिए, ये प्रजातंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो आज का दिन एक त्योहार का दिन होता है, जिस दिन जनता अपने मतों का प्रयोग करती है और आने वाले 5 साल के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए वह सरकार का चुनाव करती है। और मैं भी एक मतदाता हूँ, मेरा ये गृह जिला है और मेरा ये गृह गांव गृह पंचायत है। तो मुझे अपने गांव के प्राइमरी स्कूल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहां मत का प्रयोग करने का, मुझे परिवार के साथ प्रयोग करने का मौका मिला और प्रजातंत्र के इस त्योहार में अपने आप को जोड़ने का मौका मिला। इसके लिए मैं यहां के तमाम लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि मैं लाइन में लग करके कर रहा था लेकिन सभी ने कहा नहीं आपको, आप पहले कर लें। लेकिन फिर भी वो मतों का मुझे प्रयोग करने का यहाँ सौभाग्य मिला है और मैंने अपने मत का प्रयोग परिवार के साथ यहाँ पर किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो गया है। राजधानी शिमला में मतदान के लिए खासा उत्साह देखा गया। शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी संजय सूद ने सुबह 8 बजे अपने बूथ पर सबसे पहले मतदान किया। आपको बता दें कि संजय सूद इससे पहले साल 2007 में फागली वार्ड में पार्षद के रूप में चुने गए थे और वह हमेशा से ही अपने बूथ पर सबसे पहले जाकर मतदान क्या करते थे। और यहां उन पर पार्टी ने विश्वास जताते हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज को शिफ्ट कर टिकट सौंपा है। और ऐसे में संजय सूद पर शिमला में बीजेपी के गढ़ को बचाने की बड़ी चुनौती है। तो वहीं घुमारवी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गर्ग ने परिवार के साथ अपने पुत्र घुमारवी स्कूल में मतदान किया है। और वहीं मतदान के बाद उन्होंने कहा कि बीजेपी रिवाज बदल रही है और लोगों ने विश्वास और विकास के नाम पर वोट डाला है। लोगों के द्वारा मिल रहा भारी प्यार और आशीर्वाद से बीजेपी 50 सीटें जीत रही है और दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी वोट डालें और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें जिससे कि मजबूत सरकार बन सके। जो मतदान प्रक्रिया इतने दिनों से चली हुई थी, आज अंतिम दिन था जिसमें हमको सबको मतदान करना था और आज हमने भी परिवार सहित यहाँ पर मतदान किया और अच्छा उत्साह मतदाताओं में है और सब लोग बड़े उत्साह के साथ जो है यहाँ मतदान कर रहे हैं। और मैं सभी से अपील करूँगा कि सब लोग समय पर मतदान करें और कोई भी व्यक्ति बिना मतदान के ना छूटे, इसका मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने शिमला के लॉगवुड में अपना मतदान किया है। और आपको बता दें कि उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जनता ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है और आज मतदान होने के बाद 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से आम जनता परेशान है और शर्मा ने कर्मचारियों को उनके हक देने की भी बात कही। आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। साथ ही आनंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी 10 गारंटियां को हर हाल में पूरा किया जाएगा। तो शिमला में आज बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने मीडिया से बातचीत की है और यहां पर उन्होंने कहा कि जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो वहीं आनंद शर्मा ने लॉगवुड में मतदान किया है, जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है, ये उन्होंने बयान दिया है मतदान के बाद। और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी 10 गारंटियों को पूरा करेगी।
के तमाम कर्मचारी हिमाचल में भी, गुजरात में भी और बाकी राज्यों में संतुष्ट हों। कांग्रेस इसके लिए वचनबद्ध है। जो पहले त्रुटियां हुई हैं सरकारों से, पर गलती से सबक देखना चाहिए। एम्प्लॉयज का जो कर्मचारी है वर्ग है, उनकी भावनाओं, उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। यही अपेक्षा सरकार से होती है। दूसरा, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, खास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट युवा बेरोजगारी 22.5% है, और वो चिंता का विषय है क्योंकि इतने भारी संख्या में नौजवान बेकार हो, उनके सामने अंधकार हो, वो अच्छा नहीं है। तो है पूर्व मंत्री और धर्मशाला से कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा ने अपनी माता सहित रकड़ पोलिंग बूथ पर मतदान किया है। और इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सुधीर शर्मा ने कहा कि लोगों में मतदान को लेकर भारी उत्साह है और प्रदेश में भारी बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं सुधीर शर्मा ने कहा कि लोग महंगाई बेरोजगारी से त्रस्त होकर बदलाव के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा प्रदेश में ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। वहीं उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने 5 साल तक संघर्ष किया है और उनकी सुनी नहीं गई है। भारी उत्साह है मतदाताओं के बीच में। आप देख रहे हैं लंबी लंबी जो है वो कतारें लगी हैं, लोग निकल करके आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से उत्साह की आप बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि क्या मुद्दे लेकर जो है वो पब्लिक आ रही होगी? क्योंकि मतदान प्रतिशतता भी हम लोग दे पा रहे हैं उस स्तर पर जो है अभी चल नहीं रही है जिस तरह से चलनी चाहिए। जी हाँ, मतदाता भी निकलेंगे मुझे लगता है दोपहर का भोजन करने के बाद। लेकिन जिस तरह का उत्साह है मतदाताओं में, लगता है कि प्रदेश में भारी बदलाव होगा और लोग जो हैं वो महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त होकर के बदलाव के लिए मतदान कर रहे हैं। क्या लगता है सर, ओपीएस जो है उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा? निस्संदेह रूप से मिलेगा, क्योंकि जो कर्मचारी हैं उन्होंने 5 वर्ष संघर्ष किया है, उनकी सुनी नहीं गई और कांग्रेस ने कहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस देंगे। तो हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र में 98.8% मतदान रहा और विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र में तशीगंग में कुल मतदाता 52 में से 51 लोगों ने मतदान किया, जहां सबसे ज्यादा यानी कि 98.8% मतदान रहा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण थम गई है। वहीं केवल पहले से लाइन में लगे लोग ही मतदान डाल सके। वहीं चुनाव के लिए 68 सीटों पर वोटिंग हुई और साथ ही आपको बता दें कि चुनावों के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित होंगे। तो आज बात की जाए तो 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और अब बस नतीजों का इंतजार है। तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी जो है वो दावा कर रही कि इस बार जनता रिवाज बदलेगी, तो वहीं कांग्रेस दावा कर रही है कि जनता महंगाई से त्रस्त है, साथ ही बेरोजगारी से त्रस्त है और इस बार वो कांग्रेस को मौका देने जा रही है। तो आज 68 सीटों पर मतदान हुआ है हिमाचल प्रदेश में और यहां पर बात की जाए तो सबसे ऊंचे मतदान केंद्र पर 98.8% मतदान हुआ है और यहां पर बात की जाए तो लगभग 52 मतदाता हैं जिनमें से 51 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। 68 सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हुई है और अब नतीजों का इंतजार है। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और आज प्रदेश के मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है और फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी इज वर्थ वॉचिंग। वॉच द रियल ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी बीइंग प्लेड आउट इन हिमाचल टुडे। इट्स कोल्ड, सम एरियाज आर स्नो कवर्ड, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। इमेजिन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बूथ एट तासीगंग स्पीति एट 15,265 फीट एंड विथ 52 वोटर्स। और हमारी टीम उनके पास वोट लेने के लिए ऑलरेडी मौजूद है। एंजॉय द विजुअल ऑफ द ट्रैक दे हैव डन।
देर आर 105 पोलिंग स्टेशन अबव 10,000 फीट एंड आर पोलिंग टीम्स हैव वॉक्ड एज फार एज इवन 14 किलोमीटर्स इन द माउंटेनियस टेरेन टू सेट अप द पोलिंग स्टेशन. दिस इज डेमोक्रेसी एट वर्क, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी विच इज एट फुल डिस्प्ले इन द इलेक्शंस एंड इन द मैनेजमेंट. सी लॉन्ग क्यूज एट पोलिंग स्टेशंस एंड स्पेशली वुमेन. फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार.